बताया ये आपका फिगर बना हुआ है ठीक, जैसे इसमें ये सेट किया गया वैसे ही ऑलरेडी आपका पूरा सिस्टम सेट है। ये देखो आपका रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस, स्टेट रेजिस्टेंस, ये आपका स्टेट रेजिस्टेंस, ये आपका वोल्ट मीटर जो आपके पैरेलल लगा हुआ है रेजिस्टेंस के ठीक, ये आपका एम्पियर लगा हुआ है, अब सॉरी हाँ मिली एमीटर लगा हुआ है, और ये आपका रियोस्टेट है, ये बैटरी है। ये क्या होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट ये होता है आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाने और घटाने का काम करेगा, रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा ठीक, तो रुक तो जाओ बता देंगे कम करेंगे सब करेंगे ठीक। ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है, क्या लगा है, कौन सा रेजिस्टेंस है, स्टेट रेजिस्टेंस, ये आपकी बैटरी लगी हुई है ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका स्विच लगा हुआ ऑन ऑफ करने के लिए ठीक। ये रियोस्टेट है, इसको अगर हम आपको बताया गया है कि जो आपका ओम्स लॉ कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा कम नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, वो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जो आपका पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, आई बात समझ में, अगर हम यहाँ से करंट बढ़ाएंगे वो क्या नाम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इधर हमें देखना है कि ये आपका वोल्ट मीटर दे रखा है, ये मिली एम्पीयर दे रखा है, वोल्ट मीटर का आपका रेंज कितना दे रखा है आपके, जीरो से थ्री दे रखा है रेंज, जीरो से थ्री, और यहाँ आपका मिली एमीटर का रेंज दे रखा है जीरो से थर्टी ठीक। अब हमें इसमें ये भी बात करनी है, जब हम इसका आपका एक्सपेरिमेंट क्या नाम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका लीस्ट काउंट कितना है, जीरो नहीं, जीरो नहीं है, ये तो आपका रेंज दे रखा है जीरो से थ्री, इसका लीस्ट काउंट हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि 10 डिविजिबल तक हमारे पास कितने दे रखे हैं, 0.5, तो यहाँ हम निकालेंगे अगर जैसे अप टू दे रखा है हमारे पास, अप टू 10 डिवाइड तक कितना दे रखा है आपका, 0.5, यार साइज देखो 0.5 वोल्ट दे रखा है, और एक डिवीजन तक हमें निकालना है तो एक डिवीजन तक कितनी लिस्ट काउंट निकल के आएगी, 0.5/10 10 ही तो है, इसमें काउंट करके देखो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 0.05, ये आ गया आपके वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट कितना आ गया 0.05 ठीक वोल्ट आ गया ये आपका। अगर अब इसका अगर हम पता करें तो इसका देखना जरा, इसका 0 से 5 के बीच में कितना है, 10 है, 10 डिविजिबल है, तो अप टू 10 डिविजिबल, 10 डिविजिबल के लिए निकालेंगे तो आपका आएगा कितना आएगा, 0.05, इधर 5 दिया है ना 0.05।